अगर साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो यह पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। तिम्नासा, गुरु ज्ञानी और महाबली आज अपनी बरसों पुरानी लड़ाई का कोई ना कोई हल तो निकाल कर ही रहेंगे। क्यों ना हम भी आज फैसला कर ले। बिल्कुल। नहीं तिम्नासा, विवान को कुछ नहीं हो सकता। मैंने विवान पर सुरक्षा कवच डाल दिया है। जब तक इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं आ जाता, विवान को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सपने देखते रहो बालवीर, क्योंकि एक बार अगर वो पुस्तक मेरे हाथ में आ गई तो ना तो तुम्हारी परियां बचेंगी, ना बचेगा वीर लोग, और ना ही बचोगे तुम दोनों। विवान और गुरु ज्ञानी को बचाने के लिए मेरे पास एक और युक्ति है। ये बालवीर कहां भाग गया? जब बालवीर लौटने का उसे कहना कि मैं उसे हमेशा हमेशा प्यार करती रहूंगी और हम सब की नजरों में वो हमेशा ये बात तुम स्वयं उसे बताओगी बालपरी। तुम सब हिम्मत रखो, बालवीर सफल होकर ही लौटेगा। आपका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार बालवीर आपके डर से भाग गया।
अब ये जीवक यंत्र ही विवान को पत्थर में से वापस इंसान बनाएगा। अरे ये क्या रहे हो भाई राजा, उठा लो पुस्तक, चाहिए। विवान, जब तक हम महाबली का मुकुट नहीं उतारेंगे ये लड़ाई एक तरफा ही रहेगी। आई नो पार्टनर। तुम्हारे पास वो चुंबक है ना जिससे तुम मुकुट को निकालने वाले थे? मैग्नेट्स तो नहीं है लेकिन आपका ये जीवक यंत्र है ना? मतलब ये जीवक यंत्र सिर्फ लिविंग थिंग्स पर ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी काम करता है। लाइब्रेरी में स्केलेटन को डांस करवा दिया था इस यंत्र ने, अब आप देखिए। ज्ञान चुराने की नहीं कमाने की चीज होती है भैमार। गुरुदेव, आखिर आप जीत ही गए। महाबली, मैं नहीं जीता, अच्छाई जीती है। और अच्छाई के साथ भगवान होते हैं, इसलिए भगवान को कोई हरा नहीं सकता। मेरी माँ कहती है कि बुरे दोस्त कभी दोस्ती नहीं निभाते बल्कि वो अपने फायदे के लिए हमसे जुड़े होते हैं। देखा ना महाबली, कैसे तिमनासा और उसके साथी मुसीबत पड़ते ही तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए। अच्छाई का दोस्त ईश्वर होता है, इतनी सी सरल बात अगर तुम समझ जाते तो आज तुम्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है गुरुदेव, और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए इतनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। महाबली, मैं तुम्हारा जीवन नहीं ले सकता, भले ही तुम अपना मुझे गुरु मानो या ना मानो, किंतु मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य मानता हूं, और इसीलिए तुम्हें सुधरने का एक अवसर और देना चाहता हूं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं अपने मन से अपने तन से इस घमंड को दूर कर दूंगा और आपको एक अच्छा शिष्य बनकर दिखाऊंगा। गुरु ज्ञानी, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें तुरंत परियों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। ये लीजिए। ती प्रियक यम अटक आयुधी मही कटक संभवा जी हम कुरु येनी प्रेतु हो घटक।
जीव लप्त श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्त मैं ही कटक जीव लप्त श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्त मैं ही कटक कटक मैंने कहा था ना बालपरी कि बालवीर जीत कर ही लौटेगा। हाँ शौर्य, मुझे अपने बालवीर पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर जीतेगा, और उसके साथ छोटा बालवीर भी जो था। वो कहते हैं ना कि अगर एक और एक मिल जाए तो फिर 11 हो जाता है, लेकिन अगर देबू और विवान मिल जाए तो फिर 11 नहीं बल्कि 111 हो जाता है। अब तो तिमनासा को पता चल ही गया होगा कि अच्छाई की उम्र किसी भी जादू से नहीं घटाई जा सकती। धन्यवाद गुरुजी, आज आपके मंत्र की वजह से हम तिमनासा के समय रेत के जादू को तोड़ पाए और परियों का जीवन बचा पाए। अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम दोनों ने भी मुझे समाधि से जगाया है, और गुरु और शिष्य के बीच में मित्रता कायम करने में मदद की है, इसलिए हमारी ओर से भी आप दोनों को धन्यवाद। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों में से गुरु कौन है और कौन चेला? ऑफ कोर्स सीनियर बालवीर ही गुरु हुए ना, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझ पर अपनी गुरुगिरी नहीं छाड़ी। अच्छे गुरु की यही पहचान होती है कि बिना एक शब्द कहे अपने शिष्य को सबक सिखा दे। करेक्ट गुरुदेव, मैंने भी पार्टनर से बहुत कुछ साइलेंटली सीखा है। अरे अचानक गुरु ज्ञानी और महाबली कहाँ गायब हो गए? वो हिमालय गए अपनी तपस्या को पूरी करने के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। भैया आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए, वरना माँ मेरा भर्ता बना देंगी। तुम निकलो, मैं आता। बालवीर, बालवीर तुम जल्दी से वीर लोग आ जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया, और ये क्या हो रहा है? बालवीर, ये एक प्रकाश चक्र है जो शौर्य ने हमें दिया है। और माँ ये इंद्रधनुष क्या है? बालवीर, ये एक इंद्रधनुष का कवच है जो काललोक में जाकर रोशनी फैलाएगा और बुराई को पनपने से रोकेगा। मैंने उसी इंद्रधनुष को जागृत करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। बालवीर, अब तुम्हारी शक्तियों के प्रभाव से तिमनासा की बुराई का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। Thank you.
बालपरी के इस इंद्रधनुष का जवाब तैयार कर लिया है मैंने। लगता हाजमे की गोलियां है। हाँ, वैसे वीर लोग के हाथों इतनी बार हार का स्वाद चख लिया है आपने, कभी ना कभी हाजमा तो खराब होगा ही। तौबा तौबा। ये हाजमे की गोलियां नहीं बल्कि बीज हैं। किस चीज के बीज? खुद ही देख लो। डेमो तो दिखा दिया आपने, अब ये भी बता दीजिए कि ट्री इस अनवांटेड गेस्ट को कैसे हराएगा? ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है रे, इसमें से अकलमंद का जन्म होगा। आप हैरानी है? मेरे रहते काल लोक में किसी और अकलमंद की क्या जरूरत पड़ गई आपको? तबा तबा। अकल और मन दो भाई हैं, जिनका काम है अच्छाई का शिकार करना। वो जब भी अपने जादुई तीरों से किसी का शिकार करते हैं तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं और फिर उन पत्थर की मूर्तियों को अपने पास पुरस्कार के रूप में रख लेते हैं। माँ, हाँ माँ। अरे माँ, क्या हुआ? आप मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो? मुझे तो उससे ये उम्मीद नहीं थी विवान। मैंने क्या किया माँ? क्या किया है बताती हूँ अभी। अरे इधर आ, इधर आ। माँ क्या रे? जी, इन्हें चोट कैसे लगी? बोलो नहीं, सुनो, तूने खुद इन लोगों के साथ ये सब किया है और अब मुझसे पूछ रहा है? मैं पूरे 20 डिग्री के एंगल से पंच मारा मेरी आंखों पे मैंने। हाँ, और ये आलू, ये क्या मेरे माथे पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से हुआ है विवान? दीदी, कहीं ये सब टिमी आंटी ने तो नहीं किया? मेरा कोई डुप्लीकेट बनाकर तो नहीं भेज दिया? माँ, ये क्या है? ये तुम्हारे बैग्स पैक किए हैं और बाकी सामान बाहर गाड़ी में। लेकिन माँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ? बोर्डिंग स्कूल। माँ प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। सॉरी माँ, सॉरी, मैंने ये सब नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजो माँ। प्लीज मुझे माफ कर दो माँ, आगे से ऐसा कभी नहीं। मैंने एक ऑनलाइन वीडियो चैनल शुरू किया है जिसका नाम है हिडन आइज। ये देख, तेरे रिकॉर्ड भी किया है मैंने। मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजो माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे और माँ आप भी। सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, सुतली ने बहुत रिक्वेस्ट की तो मुझे करना पड़ा। सॉरी। ये सब कैमरा में कैप्चर हो गया विवान, और जब हम इसे अपलोड करेंगे ना तो बहुत लाइक आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, चलो बच्चों, और इस प्रैंक का टेस्ट बदलने के लिए मैंने तुम लोगों के लिए जलेबी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। अगर अकल और मंद इतने ही बुद्धिमान हैं, तो सारे वीर लोग को पत्थर का क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि बालपरी ने अपनी एक बहुत ही शातिर चाल से उन दोनों को बीज बनाकर बंजर लोक में गाड़ दिया था। लेकिन अब
मैंने उन्हें वापस जीवित कर दिया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.